हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोपल्स क्रिएशन। आज हम क्रोशिया लेस से एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंप शेड बनाएंगे। इसके लिए मैंने 3 कार्डबोर्ड के 16 सेंटीमीटर्स के सर्कल कट कर लिए हैं। इन सर्कल्स पे 14 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के रेडियस वाले और भी 3 सर्कल्स मार्क कर लिए हैं। अब ये मार्किंग्स पे से कट करते हुए हम कुछ इस तरह की फ्रेम्स बना लेंगे। अब बड़ी वाली तीनों फ्रेम्स को आपस में फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। और मास्किंग टेप की हेल्प से पूरी फ्रेम को इस तरह से पैक कर देंगे। अब मैं वाइट वूल को कुछ इस तरह से पूरी फ्रेम पे लगा रही हूँ। हाँ, ये करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, बट आप चाहे तो इसे कलर भी कर सकते हैं। मैंने इसे कलर इसलिए नहीं किया है क्योंकि कलर करते टाइम पे अगर कार्डबोर्ड में पानी लगने से कार्डबोर्ड थोड़ा भी वेट होता है तो कार्डबोर्ड नरम पड़ सकता है, इसलिए मैंने इसे कलर करने से अच्छा वूल से पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब हम ये सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं स्टार्च के लिए, जिसमें मैंने 8 to 9 टेबलस्पून ऑफ वाटर और 3 टेबलस्पून ऑफ कॉर्न स्टार्च यूज़ किया है। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर ले, फिर अराउंड 1 लीटर ऑफ बॉइलिंग वाटर में धीरे धीरे करके पूरा ऐड करें और इसे कंटिन्यूसली 4 to 5 मिनट स्टर करते रहें। सॉल्यूशन रेडी हो जाने पर क्रोशिया लेस को इसके अंदर अच्छी तरह से डिप करें। अब इसे अराउंड 1 मिनट के बाद सॉल्यूशन से निकाल के अच्छी तरह से स्क्वीज कर लें ताकि एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। लेस को स्ट्रेच करने के लिए मैंने कार्डबोर्ड पे प्लास्टिक को इस तरह से पहले लगा लिया है ताकि सूखने के बाद लेस इजीली निकल सके। और अब पिंस की हेल्प से मैं लेस को इस तरह से स्ट्रेच कर रही हूँ। 16 सेंटीमीटर की फ्रेम के लिए हमें अराउंड 1 मीटर की लेस चाहिए, तो जब स्ट्रेच कर रहे हैं तो टेप के रेफरेंस से लेस को 1 मीटर तक ही स्ट्रेच करें। ओवरनाइट ड्राई होने के बाद सारी पिंस निकाल लें और स्टार्च्ड लेस को इस बेस से रिमूव कर लें। अगर आप ज़्यादा हार्ड स्टार्च डालना चाहते हैं तो जो हमने सॉल्यूशन बनाया था उसमें कॉर्न स्टार्च की क्वांटिटी 1/2 टेबलस्पून से बढ़ा दें। क्रोशिया लेस मुझे थोड़ी प्लेन लग रही है, तो मैं इसमें डिफरेंट कलर के वूल से थोड़ा डिज़ाइन ऐड कर रही हूँ।
तरह लेस रेडी है। अब हम लैंप का बेस प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए स्मॉल सर्कल को बड़े सर्कल के एग्जैक्ट सेंटर में टाई कर लेंगे। पहले मैं चार तरफ से टाई कर रही हूँ, उसके बाद जब वो सेंटर प्रॉपरली आ जाए तो फिर आठ तरफ से टाई कर लें। एक्स्ट्रा थ्रेड्स को कट कर लें और हॉट ग्लू गन की हेल्प से लेस को इस फ्रेम पे अच्छी तरह से स्टिक कर लें। लेस की दोनों एंड्स को सुई धागे से पैक कर दें। और पूरा रेडी होने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। तो है ना ये बहुत ही ब्यूटीफुल। ऐसे ही और अमेजिंग क्रिएशंस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आप आपके सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं वहाँ पर आपको ज़रूर आंसर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।